हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो, ये वाली। यस, निकाली सबने? यस, इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 33 निकालो। पेज नंबर 33, यूनिट 24 करेंगे आज हम। कौन सा वाला यूनिट करेंगे? 24। दिस एंड दैट, देखो कुछ भी थिंग्स हो या तो फिर कुछ भी हो, कोई एनिमल हो या तो फिर बर्ड हो, थिंग्स हो, तो वो आपके पास में है यानी नजदीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। दिस यानी नजदीक में, दिस यानी नजदीक में, एंड दैट, दैट यानी कुछ भी थिंग्स, एनिमल्स या तो फिर बर्ड आपसे दूर है, यानी दूर है, तो आप क्या यूज करते हो? दैट यूज करना है हमें। कोई वस्तु हमारे पास में है, नजदीक में है, तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। एंड कुछ भी थिंग्स हो, बर्ड्स हो या तो फिर एनिमल हो, वो बहुत दूर है आपसे, आपसे दूर है, तो आप क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? दैट। देखो दिस इज अ गोरिला। देखो आपकी बुक में यहां पर ऊपर, दिस इज अ गोरिला। देखो ये लड़का खड़ा है, तो ये बॉय है, तो उसके पास में, उसके नजदीक में ये गोरिला है, तो वो क्या बोला है? उसने क्या बोला? दिस इज अ गोरिला। नजदीक में है तो दिस इज अ गोरिला। एंड यहां पर क्या लिखा है? दैट इज अ स्क्विरल। ये गिलहरी यानी खिसकोली। ये जो स्क्विरल है वो बॉय से, यानी वो ये लड़का जो खड़ा है उससे दूर है, दूर है यानी फार, तो वो क्या कहा हमने? दैट इज अ स्क्विरल, दूर है उसके लिए दैट यूज करेंगे, और जो नजदीक में है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास है यानी नजदीक है मेरे से, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो ये ब्लैक बोर्ड है वो मेरे से नजदीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। क्या बोलूंगी? दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। और यहाँ पर जो ये जैसे कि डस्टर, वहां पर कुछ दूर मेरे से पड़ा है, दूर है डस्टर, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ डस्टर। वैसे आया समझ में? यस, यानी कुछ भी हमारे नजदीक है, पास में है, तो उसके लिए हम टी एच आई एस दिस यूज करेंगे, और जो दूर है उसके लिए टी एच ए टी दैट यूज करेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। देखो ऊपर, सॉरी यहाँ पर स्पिरल के नीचे, वी यूज दिस व्हेन आर टॉप ऑफ समथिंग विच इज नियर बाय, यानी जो आपके पास है उसके लिए आपको दिस यूज करना है। एंड वी यूज दैट व्हेन वी टॉप ऑफ समथिंग विच इज फार अवे, जो आपसे दूर है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? फार, सॉरी दैट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? दैट। एक्सरसाइज, राइट दिस इज अ, इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द बॉय, राइट दैट इज अ, इफ द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द बॉय, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी इसमें आपको देखो पिक्चर दिया है और पिक्चर के नीचे आपको ब्लैंक दिया है, तो जो बॉय से लड़के, ये जो लड़का है वो बॉय से नजदीक है, उसके लिए आप दिस इज ए ऐसे स्टार्ट करना है, और जो लड़के से दूर है उसमें आप, उसमें आपको दैट इज अ ऐसे स्टार्ट करना है, राइट। और देखो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में यानी सर्कल में आपको ऑब्जेक्ट भी दिए है, सॉरी चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, उसमें से जो वाला करेक्ट है वो आपको लिखना है। यस, द नंबर वन, पिक
पिक्चर आपको आपकी बुक में से देखना है, मैं यहाँ पर उसका आंसर लिखूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वाला पिक्चर किसका है? बैग। पिक्चर में क्या है? बैग है। तो देखो तो बैग जो है वो लड़के या बॉय से नजदीक है या तो दूर में है? बॉय से नजदीक है या दूर है? तो पास में है ना? यस। इसमें आपको ऐसे लिख कर ही दिया है, देखो ये जो बैग है वो बॉय से नजदीक है, तो क्या लिखेंगे? दिस, दिस इज, और बैग। तो बैग में कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। बैग में आर्टिकल कौन सा आएगा? ए। दिस इज ए। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ दिया ही है कि दिस इज ए, दैट इज ए, वैसे आपको स्टार्ट करना है सेंटेंस। दिस इज ए बैग। बैग का स्पेलिंग आपको यहां से ढूंढकर लिखना है, कहां पर है बैग? यहां पर, तो राइट, और यहां पर आपको लिखना है बैग। दिस इज अ बैग, यानी यहां बैग है। यस, आया समझ में? वैसे आपको शॉर्टली ऐसा ही याद रखना है इजीली कि जो नजदीक है उसके लिए दिस यूज करेंगे हम, और जो हमसे दूर है उसके लिए दैट यूज करेंगे। बस इतना आप अच्छे से समझ जाओगे तो कुछ भी एग्जांपल आपको अच्छे से आ जाएंगे। फिर नंबर टू क्या है पिक्चर में? ट्रक। क्या है? ट्रक। तो ट्रक है वो बॉय से दूर है या तो नजदीक में है? दूर। ये जो ट्रक है वो बॉय से दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट से शुरू करेंगे। That is a, ट्रक का स्पेलिंग क्या होगा? TRUCK, ट्रक। That is a truck. नंबर थ्री क्या है पिक्चर में? बुक। तो जो वो बुक है वो बॉय से नजदीक है या दूर है? तो देखो तो बॉय से दूर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? दैट से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे दैट इज ए। ऐसे आपको शुरू करना है, अच्छे राइटिंग से प्रॉपरली लिखना है। दैट इज ए बुक, बी डबल ओ के, बुक, राइट। फिर नंबर फोर ये वाला क्या है पिक्चर में? डॉग। पिक्चर में क्या है? डॉग। तो ये जो डॉग है वो बॉय से दूर है या तो नजदीक में है? नजदीक में है, यस। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए, नजदीक है इसीलिए हम लिखेंगे दिस, दिस इज ए डॉग, डी ओ जी डॉग। नंबर फाइव क्या है पिक्चर में? देखो तो फ्लावर। क्या है पिक्चर में? फ्लावर। तो फ्लावर है वो बॉय से नजदीक है या दूर है? नजदीक है, यस। तो हम कैसे शुरू करेंगे सेंटेंस? दिस इज ए, नजदीक के लिए दिस, दिस इज ए फ्लावर। फ्लावर का स्पेलिंग इसमें आपको साथ में ढूंढते भी जाना है, कहाँ है? यहाँ, तो वहां राइट पर लिखना है ऐसे बारी बारी, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। दिस इज ए फ्लावर। नंबर सिक्स क्या है पिक्चर में? ट्री, पेड़ है। तो वो जो ट्री है वो बॉय से नजदीक है या दूर है? दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट, दैट इज ए ट्री, यस। ऐसे तो यहां पर हमारा इंग्लिश ग्रामर में यूनिट 24 कंप्लीट होता है। तो देख
हमें क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 फिलअप करना है। एंड ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपकी जो इंग्लिश की फोर लाइन वाली नोटबुक है उसमें आपको यूनिट 24 की एक्सरसाइज लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? 2 times लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? 2 times। और साथ में आपको लर्न भी करना है कि कोई नजदीक है तो उसके लिए हम this यूज करेंगे, हमसे दूर है उसके, यानी कुछ भी थिंग्स हो, एवर्ड हो, एनिमल हो, तो उसके लिए हम दूर से दूर है तो उसके लिए that यूज करेंगे। और साथ में आपको ये सब स्पेलिंग भी लर्न करते जाना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।